ए वो ही जगह है जिसके नाम पर चांदनी चौक नाम पड़ा। आइए इसके इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। एक आवश्यक सूचना, ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरा भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम आपको भारत के हर राज्य की कोने कोने की वीडियो दिखाते रहेंगे। चांदनी चौक को 1650 ईस्वी में शाहजहां की पुत्री राजकुमारी जहांआरा बेगम ने डिजाइन किया था। 1560 दुकानों वाला ये बाजार मूल रूप से 40 गज चौड़ा और 1520 गज लंबा था। बाजार आकृति में चौकोर था तथा इसके केंद्र में एक तालाब उपस्थित था जो चांदनी रात में चमकता था और इसी कारण बाजार का नाम चांदनी चौक पड़ा था। सभी दुकानों को उस समय आधे चंद्रमा के आकार के पैटर्न में बनाया गया था जो अब विलुप्त हो गया था। ये बाजार अपने चांदी के व्यापारियों के लिए प्रसिद्ध था जिस कारण इसे सिल्वर स्ट्रीट के नाम से भी पहचाना गया है। चांदनी चौक एक समय में भारत का सबसे बड़ा बाजार था। मुगल शाही जुलूस चांदनी चौक से गुजरते थे। 1903 में दिल्ली दरबार के आयोजन के समय इस परंपरा को पुनर्स्थापित किया गया था। 1863 में ब्रिटिश सरकार द्वारा चौक के पास दिल्ली टाउन हॉल बनाया गया था। चौक के तालाब को 1950 के दशक तक एक घंटाघर से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। इसी कारण बाजार का केंद्र अभी भी घंटाघर के नाम से जाना जाता है। सबसे पुराना एवं सबसे व्यस्त क्षेत्र है। ये पुरानी दिल्ली के सबसे व्यस्त बाजारों में से एक है। चांदनी चौक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित है। लाल किला स्मारक बाजार के भीतर स्थित है। ये 17वीं शताब्दी में भारत के मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाया गया था और इसका डिजाइन उनकी बेटी जहांआरा द्वारा तैयार किया गया था। चांद की रोशनी को प्रतिबिंबित करने के लिए बाजार को नहरों द्वारा विभाजित किया गया था और यह भारत के सबसे बड़े थोक बाजारों में से एक बना हुआ है। चांदनी चौक का इलाका हर धर्म के लोगों के लिए खास जगह है। यहाँ प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर भी है और फतेहपुरी मस्जिद भी है। इतना ही नहीं, सिखों का मशहूर गुरुद्वारा शीशगंज भी चांदनी चौक में ही है और सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च भी यहां मौजूद है। चांदनी चौक चांदी और सोने के सामान और जवाहरातों के लिए मशहूर है। Thank you.
हर जगह